हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं गिग इकोनॉमी की। गिग इकोनॉमी ये अभी तो हम सुन ही रहे हैं, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है और इक्वली मेंस के लिए, किसी भी पीसीएस यूपीएससी के एग्जाम के लिए। सवाल है कि गिग इकोनॉमी है क्या, गिग वर्कर्स किसको कहते हैं, चर्चा में अचानक से क्यों आ गया और इसका फ्यूचर क्या है, इसके फायदे क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, एक एक करके हम लोग गिग को देखेंगे। इसको GIG गिग इकोनॉमी भी कहते हैं और हिंदी में भी गिग लिखा जाता है। आपने जोमैटो स्विगी से कभी खाने का ऑर्डर किया है, ओला उबर कभी बुक किया है, कभी किसी को फ्रीलांस का काम करते हुए देखा है, कभी किसी को घर बैठे हुए कोई पर्टिकुलर काम असाइनमेंट ले लिया और उसको पूरा करके देते हुए भी आपने देखा होगा। ये सारे गिग के अंदर आते हैं और इस वर्कर्स के कारण एक इकोनॉमी डेवलप हो रही है, उसको हम लोग गिग इकोनॉमी कह रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग गिग इकोनॉमी कह रहे हैं। अभी नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया 2021-22 में हमारे पास लगभग 77 लाख, यानी 7.7 million, यानी लगभग 7.7 मिलियन हमारे जो वर्कर हैं वो गिग वर्कर्स के अंदर है और ये आंकड़ा बढ़ेगा। अभी 77 लाख है, कहा गया है 2029-30 तक ये बढ़ के 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग गिग का काम करेंगे तो एक इकोनॉमी तो उसके कारण डेवलप होगी, तो उसको हमने नाम दिया है गिग इकोनॉमी। अब सवाल है कि ये गिग इकोनॉमी क्या होती है। जवाब है कि गिग इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे नौकरी करने का जो ट्रेडिशनल वे है, ऑफिस में जाके कर रहे हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट हो रहा है, एकदम से जा रहे हैं 6 to 8, 10 to 8 काम कर रहे हैं या रात में काम करने जा रहे हैं, ओवरनाइट, ओवर टाइम, ये सारी बहुत सारी चीजें, पीएफ में पैसे कट रहे हैं टाइप की जो एकदम ट्रेडिशनल वे है ना, इससे अलग हटकर गिग इकोनॉमी काम करती है। इस इकोनॉमी में जो रिलेशन होता है वो टेम्पररी होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कोई खास उलझने नहीं होती, बहुत सारे इसके अंदर लॉज नहीं होते हैं। आप हाँ भाई हमारा इतना काम है, हो जाएगा तुमसे, हाँ हो जाएगा, इसके लिए मैं 5000 चार्ज करूंगा, 10 करूंगा, 10 दिन के अंदर आपको दे दूंगा, हो गया कहानी खत्म। कुछ लोग जाएंगे कहेंगे हमें पार्ट टाइम करना है आपके पास, 4 घंटा आपके यहां काम करेंगे, कितना टाइम, कितना हुआ, हाँ इतना हुआ, कहानी खत्म। तो गिग इकोनॉमी इस तरह से काम कर रही है, मतलब काफी इनफॉर्मल तरीका हो गया है। आप आसानी से जिसको भी फ्रीलांस का काम करना है कुछ भी, तो उस तरह के लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उस तरह से पार्ट टाइम काम करते हैं, कहानी खत्म हो गई। बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और बाद में उनको 3-4 घंटे का टाइम मिलता है, गिग इकोनॉमी के थ्रू पैसे अर्न कर लेते हैं। तो इस तरह से एक इकोनॉमी डेवलप हो रही, दैट इज गिग, उसी को गिग कहते हैं। अब सवाल है कि इस पे काम करने वाले को गिग वर्कर्स कहा जाता है, जो काम करते हैं उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। गिग वर्कर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्योंकि नीति आयोग की ही रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में इन्होंने इनको दो टाइप में डिवाइड किया था। ओवरऑल जो गिग वर्कर होते हैं, जो गिग वर्कर्स होते हैं उसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो गिग वर्कर्स होते हैं उसका मतलब सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वैसे वर्कर्स जो अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के तरीके से, अपने काम करने के कंफर्ट के तरीके से, बिना मतलब एक तरह से ऐसे समझिए तो थोड़ा सा डिस्टेंस में अक्सर, हाँ इंटरनेट के थ्रू, तो ये सब तरह से इनफॉर्मल तरीके से, ये जो फॉर्मल तरीका नहीं होता है उस तरीके से वो काम करते हैं, शॉर्ट टाइम का काम होता है, कोई खास एग्रीमेंट नहीं होती है और वो जो काम करते हैं उनको गिग वर्कर के अंदर हम लोग डालते हैं। यहां पे गिग वर्कर में जो ट्रेडिशनली वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है
वो आपको गिग वर्कर्स में देखने को नहीं मिलेगा। नीति आयोग ने गिग वर्कर्स को दो भाग में, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म एक नॉन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म वर्कर एक नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर, दो वर्कर में डिवाइड किया। अब सवाल आपके मन में आएगा ये प्लेटफॉर्म वर्कर कौन है? जोमैटो, ओला, ये सब प्लेटफॉर्म वर्कर है। सवाल है प्लेटफॉर्म वर्कर का मतलब क्या? प्लेटफॉर्म वर्कर ऐसे वर्कर्स को कहते हैं जो किसी खास व्यवस्था के आधार पे अपनी सेवाएं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे ओला एक कंपनी है, उबर एक कंपनी है, ओला और उबर के ड्राइवर उनसे एग्रीमेंट किए हैं कि हम जब आपके ऐप के थ्रू गाड़ी चलाएंगे, जब सर्विस देंगे, तो जो पैसा होगा उसका ये कमीशन मेरा बनता है, बाकी आपका बन, जो कमीशन वो आपका बना, जो मेरा हुआ सो मेरा हुआ, हम अपने घर आप अपने घर। यानी एक इंटरनेट बेस्ड ऑर्डर आया, ओला ने उस ड्राइवर को दिया क्योंकि ड्राइवर गिग वर्कर के तहत काम करने को रेडी है, वो काम किया, जो पैसा बना उसका जितना शेयर हुआ बट गया। जोमैटो में क्या होता है, पहले अभी भी बिहार में क्या है जोमैटो को लेकर, हमारे यहां अभी ये सोचा जाता है कि जोमैटो जो है ना, कई बार लोग लड़ लेते हैं, जोमैटो वाले जब जाते हैं खाना पहुंचाने के लिए तो उनसे लड़ लेते हैं, बोलते तुम्हारी कंपनी ने खाना इतना लेट क्यों किया, ये किया वो किया, तुमने इतना मैंने यहां से यहीं से खाना क्यों लाया टाइप की कई सारी चीजें अभी भी ये होती है जो नहीं जानते हैं वो। तो जोमैटो कई किस्से अभी भी ये हो रहा है, उनको ये लगता है कि ये कंपनी है जो खाना बना के प्रोवाइड करवाती है, जबकि ये वो कंपनी है जो एप्लीकेशन बेस्ड है, वहां पे ऑर्डर्स जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो गिग वर्कर्स हैं जो डिलीवरी एजेंट हैं वहां से ऑर्डर लेते हैं, आपको ऑर्डर पहुंचाते हैं, उसका शेयर उनको मिलता है, कंपनी का शेयर कंपनी को चला जाता है, दैट्स इट, इतना ही होता है यहां पे। तो जो प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी सर्विस या सेवाएं देते हैं दैट इज प्लेटफॉर्म वर्कर। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कुछ ऐसे होते हैं मतलब जो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते, वो पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करते हैं, लेकिन यहां भी खासकर सामान्यतः वो उस ऑफिस से दूर इंटरनेट बेस्ड ही अक्सर हाँ उनका काम होता है। जैसे मान लो कि मुझे कुछ काम करना हो, कि मुझे कोई असाइनमेंट बनानी है किसी का, किसी ने ऑर्डर दिया मुझे, तो मैं बनाऊंगा उनको मेल कर दूंगा, वो मुझे पैसे दे देंगे, मैं वहां नहीं जा रहा, डिस्टेंस से काम हो रही, काम किया भेज दिया। तो ये चीजें चल रही है। जैसा मान लो कोई अभी महाराष्ट्र में रह रहा है, कोई चेन्नई में रह रहा है, मैं जानता हूं कि सब्जेक्ट में महारथी है, हम कहेंगे यार ये काम कर दो ना, तो सर आ नहीं पाएंगे, नहीं आ पाएंगे अच्छी बात है, वहीं से भेज दीजिए हमको, हम आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये चीजें चल रही है। तो पार्ट टाइम फुल टाइम के लिए जो जा रहे उनको यहां पे हम क्या कहते हैं, नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर। ये भी ट्रेडिशनली काम से अलग होता है। अभी एक आई थिंक एक यूट्यूब पे चैनल है, मैं भी फॉलो करता हूं, वीटी स्पेस करके है सर, वीटी है, वीटी नाम होगा आई थिंक, वो फ्रीलांस के बारे में बहुत बात करती है, एक लड़की है बहुत घूम रही है, तो वो क्या करती है जब पैसे खत्म होते हैं तो वो कहीं आके दिल्ली में, दिल्ली बेस्ड है तो वहां रुक जाती है, फ्रीलांस से काम ढूंढती है, काम करती है, पैसे जमा हो जाते हैं, घूमने निकल जाती है। तो ये चीजें गिग वो किस वर्कर के अंदर आएगी, वो गिग वर्कर के अंदर आएगी, समझ में आ रहा है, वो एक गिग वर्कर है। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है, वो बहुत अच्छा घूम रही है और मैं भी काफी अप्रिशिएट करता हूं, ये जज्बा होना चाहिए नॉन ट्रेडिशनल काम करने का, तो वो कर रही है। तो खैर, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एंड नॉन प्लेटफॉर्म का अंतर। अब हम लोग जब आगे आएंगे तो एक डाटा, तो डाटा अभी हमने आपसे पहले ही शेयर कर दिया है, डाटा ये शेयर किया है कि अभी 2021-22 तक के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 7.7 मिलियन, लगभग 77 लाख है, ये बढ़ के 2.5 करोड़ के आसपास होने वाला है। इसके अलावा एक और आंकड़ा हमारे पास है, वो आंकड़ा है कि भारत, अमेरिका, चीन और ब्राजील और जापान, भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील और जापान के बाद इतना बड़ा गिग वर्कर वाला पांचवा कंट्री हो जाएगा। तो ये भी एक डाटा है कि ये फिफ्थ कंट्री इंडिया होने वाला है इन सब के बाद। अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग काम करेंगे, इतनी सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली मन में सवाल आएगा कि आखिर व्हाई, आखिर ऐसा
क्यों हो रहा है? आखिर गिग वर्कर्स इतने आगे इतना क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर क्यों गिग की तरफ जा रहे हैं? चीजें बदल रही है, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, यहां पे लोग अब जीना सीख लिए हैं, उनको सिर्फ पैसे नहीं कमाने हैं, जिंदगी भी जीनी है, जिंदगी वो जीना चाह रहे हैं। विटी स्पेशी आई थिंक वो भी एक उसका एग्जाम्पल है। तो जिंदगी जीने का मतलब मुझे घूमना है, हम घूमते हुए पैसे कमाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी देगा। ये जो गिगी है, जो गिग इकोनॉमी है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब सवाल है कि क्यों चुन रहा है? पहला, तकनीक में बदलाव आया है। अब हमारे पास कंप्यूटर है, हाई स्पीड इंटरनेट है, वीडियो हो, पीडीएफ हो, अलग अलग चीजें हो, अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना हो। पहले क्या था? अब कोई डॉक्यूमेंट्स है तो अब वो लाइब्रेरी के अंदर, कोई किताब है लाइब्रेरी में पढ़ा है, अब उसका कई सारे डिजिटल फॉर्म है, नहीं है तो कुछ ना कुछ इंटरनेट पे कोई ना कोई डाले हुए हैं, निकाला जा सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, तो हम इधर उधर रह के भी काम कर सकते हैं। तो तकनीक में बदलाव एक बड़ा अंतर क्रिएट कर रहा है इस गिग इकोनॉमी के लिए। तकनीक में बदलाव एक बड़ा अंतर क्रिएट कर रहा है इस गिग इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा, जो अभी लेबर लॉ है ना, उसके अंदर थोड़ी सी कठोरता पहले से आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर है, जो रखने वाला है आपको, नियोक्ता जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके लिए ये ज्यादा इजी हो गया है। अरे इतने पैसे दे रहे हैं, इतने टाइम में काम करके खत्म, इतना पैसा दिए, इतना टाइम करो, खत्म। तो उसे क्या होता है, कोई जो पेचीदगी है ना कि तुमको हटाने के लिए पहले पैसे देने होंगे या नोटिस देना होगा टाइप की चीजें, हटा नहीं सकते, उसके लिए इतना अमाउंट दे रहा होगा, पीएफ जमा होगा, ये वो बहुत सारी चीजें, झंझट खत्म। तो वो झंझट यहां पे समाप्त हो रहा है, एम्प्लॉयर के लिए तो बहुत ज्यादा, एम्प्लॉयज के लिए भी यहां पे थोड़े से टेंट्रम्स कम है, तो उनके लिए छोड़ना पकड़ना आसान होता है। कई बार क्या होता है, एग्रीमेंट के तहत आप किसी के साथ जुड़ गए, दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते, यहां 10 का काम कर लो कोई दिक्कत नहीं, पैसे अधिक आने की संभावनाएं यहां पर है। काम करने का लचीलापन, फैमिली के साथ बात करते हुए काम कर सकते हैं, फैमिली के साथ रहते हुए काम कर सकते हैं, और जितना जब चाहे कर सकते हैं, 10 दिन की छुट्टी निकल लिए, तो काम का लचीलापन। अब जो 21वीं सदी का भारत है ना, वो ये खोज रहा है। इसके अलावा पसंदीदा काम, बहुत सारे लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उसके साथ जो सिट कर रहा है वो काम करना चाहते हैं। गिग इकोनॉमी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप अपने पसंद के साथ, अपने आप लाइफ को जीने के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहते हैं, तो गिग इकोनॉमी ये मौका दे रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजों को आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ये है। इसके अलावा क्या है, स्टार्टअप कल्चर आ रहा है। यहां पे एक फिक्स्ड फीस मॉडल भी है, जैसे मान लीजिए कि आप ये पर्टिकुलर काम हमारा कर दो, इसके बदले हमने 10,000 देना है, या एक महीना का काम आप कर दो, हमने 8,000 देना है, उसके बाद अपना देख लेना। तो ये एक फिक्स मॉडल के कारण जो देना है जिनको पैसा, उनके लिए भी आसान है, जो ले रहे हैं उनके लिए भी इजी है, क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है। और स्टार्टअप कल्चर जो स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर ये गिग इकोनॉमी बहुत काम की है, क्योंकि स्टार्टअप के दौरान थोड़े कम पैसे में भी लोग चाहिए, अलग अलग टाइप के काम करने हैं, सबको आप एक जगह रख के नहीं करवा सकते, तो वहां पे भी ये गिग इकोनॉमी काम आता है। अब सवाल है कि इंडियन इकोनॉमी इसके लिए कितना तैयार है, ठीक है, क्यों तो समझ में आया, अब सवाल है कि इंडिया कितना तैयार है, इंडिया कितना रेडी है। देखिए इंडियन इकोनॉमी जो है ना, वो अब तैयार है, गिग के लिए तैयार है, इवन गिग के लिए ही तैयार है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम काफी अपडेट हो चुके हैं, और जो अपग्रेड वर्जन है हमारे पास अब 5G वो भी आ गया है। इसके अलावा इंसेट बढ़िया काम कर रहा है, तो अलग देशों का काम भी हम कर रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं, तो उसके लिए काफी अच्छी क्षमता है। ब्लू कॉलर के अंदर इसके अंदर काफी अधिक संभावनाएं हैं, सबसे अधिक ब्लू कॉलर में ही ये निकला है, लाइक 56% अकेले ब्लू कॉलर ने नौकरी दी है, 56% जो जॉब है वो अकेले ब्लू कॉलर ने दी है। ब्लू कॉलर के बाद व्हाइट कॉलर भी आ जाता है, उसके बाद रहा सहा कसर व्हाइट कॉलर ने पूरा किया, फिर उसके बाद चीजें थोड़ी सी स्कैटर्ड हुई है, सॉफ्टवेयर के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, फ्रीलांस राइटिंग के अंदर, ऐसे कई सारे सेक्टर हैं जो काफी तगड़ा बूम कर रहे हैं। अब आपके मन में आएगा ये ब्लू
वाला कौन है, मैंने ब्लू कॉलर जॉब क्या है और व्हाइट कॉलर जॉब क्या है, तो वो मैं ब्रीफ में बता देता हूं, बाकी इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, वो आप वहां पे देख सकते हो। ब्लू कॉलर में अक्सर हम जो है ना थोड़ा सा हार्ड लेबर करने वाले कामों को ऐड करते हैं, जहां पर आवर आपको सैलरी मिलती है, मतलब फी मिलते, पैसे मिलते हैं, इस तरह की चीजों को। व्हाइट कॉलर में अक्सर सरकारी कर्मचारी टाइप के जो लोग होते हैं ना, उन सबको हम लोग उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ब्लू और ये व्हाइट है, मतलब यहाँ पे पैसे वैसे उनको टाइमली मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है व्हाइट वाले को, दोनों जगह ये इस तरह के जॉब जो है वो जनरेट हो रहे हैं। अब सवाल है कि इसका बेनिफिट क्या है, ये गिग का हमें लाभ क्या मिल रहा है, फायदा क्या है। देखिए गिग के फायदे जो अभी हमने इसके फीचर्स बताए वो उसके फायदे भी है, वाई में जो बताया ना वो फायदा भी है। अब फायदा क्या है, फायदा ये है कि नौकरियों का विकल्प अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आप अपने कंफर्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, और क्या काफी लचीलापन है, वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा बनता है, जीवन में बच्चों के साथ फैमिली के साथ रह के काम कर सकते हैं, अच्छी खासी कीमतें मिलती है, कम समय में अच्छी क्वालिटी कम पैसे में भी अवेलेबल हो जाती है, कॉम्पिटिशन है, काम करने की अधिक स्वतंत्रता है, कहीं से भी कभी भी टाइम पे काम आप करके दे सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन खर्च ऑफिस मेंटेनेंस खर्च टाइप की खर्च में कमी आती है, जिसके कारण अलग अलग तरह के स्टार्टअप से लेके कई सारी चीजों को कम पैसे में हम कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन चुनौतियां भी काफी है, क्योंकि गिग वर्कर है ना, टेम्पररी एग्रीमेंट होता है ना, काम खत्म कहानी खत्म, अगर कोई उनको हेल्थ इश्यू आता है, किसी तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो कई बार देखते हो सुसाइड अटेम्प्ट काम ही नहीं है, मार्केट में मंदी आ गई, तो वो जो सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए हेल्थ को लेकर इकोनॉमी को लेकर, वो वहां पे मिसिंग है, जो रेगुलर कर्मचारियों को मिलती है। टाटा के अंदर काम करो, सरकार का तो पता ही है, टाटा के अंदर रिलायंस के अंदर अच्छे अच्छे फैक्ट्रीज के अंदर काम कीजिए, आपको सारे सपोर्ट मिलेंगे, या अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस हैपनिंग होता है तो गिग वाले गए, पूछेगा भी नहीं कोई। दूसरा है कि बहुत सारे रिटेन कंडीशंस होते हैं, लिखा हुआ नहीं होता, मान लो सामने वाला मुकर गया तो आप उसका दावा नहीं कर सकते। सौदेबाजी कमजोर होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार्गेनिंग पावर कमता है, 1991 के एलपीजी के कारण बार्गेनिंग पावर कमा, बीच में बढ़ा, गिग इकोनॉमी उसको तोड़ रहा है, समझ में आ रहा है। सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा पावर होता है जहां पे जब तक एक मजबूत लेबर यूनियन, कर्मचारियों का यूनियन या जो भी काम कर रहे हैं उन वर्कर्स का यूनियन जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक कलेक्टिव बार्गेनिंग संभव नहीं है, क्योंकि धमकी दोगे ही नहीं हड़ताल तालाबंदी का, हड़ताल का, धरना प्रदर्शन का, तो होगा कहां से, कौन सुनने वाला है। अब यहां पे कोई चेन्नई से काम कर रहा है, कोई अमेरिका से कर रहा है, कोई बिहार से कर रहा है, कोई बंगाल से कर रहा है, अब कैसे कनेक्ट करेंगे, कहोगे नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा, कोई दूसरे को जान ही नहीं रहा है, गिग इकोनॉमी के अंदर बहुत स्थिति है। तो वैसी स्थिति में कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ना वो छूट रहा है, वो चूक हो रहा है उसका। अब ये सारा चीज है, अब सवाल है कि फिर क्या। तो सरकार जो है सामाजिक सुरक्षा संहिता लाई थी 2020 के अंदर, इसके अंदर गिग वर्कर्स पे ध्यान दिया गया है, गिग वर्कर्स के लिए अलग से हेल्पलाइन और उनको रजिस्ट्रेशन, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी या सोशल कुछ ऐसा हो तो वो सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा हेल्पलाइन हो गया, कानून और पॉलिसीज सरकार बना सकती है गिग वर्कर्स के लिए, इवन बना ही रही है, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया उसके अंदर बताया गया है कि हम गिग वर्कर्स के लिए क्या क्या करें, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण देना, कई सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है। सरकार के तरफ से फिस्कल एक एनवायरमेंट तैयार करना और फिस्कल सपोर्ट देना, ये सारी चीजें हैं, अनुकूल वातावरण तैयार करना, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन की गई है। तो ये जो हमारा अब गिग इकोनॉमी है ये बहुत बड़ा